जिस शख्स लई छड्या पति उसने ही कर दिता कतल। डेढ़ साल तो पति नू छड के रह रही सी प्रेमी नाल, गला घोट के प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका दा किता कतल। दस दे के वड्डी वारदात वापरी है जिथे एक प्रेमी ते प्रेमिका दी किसे गल नू लेके आपस दे विच बहस हो जांदी है, जिस तो बाद प्रेमी गुस्से दे विच आके अपनी प्रेमिका दा गला घोट दिंदा है, जिस नाल उसकी मौत हो जांदी है। ते वारदात दी सूचना मिलन तो बाद मौके ते पुलिस पहुंचदी है ते कातिल प्रेमी नू गिरफ्तार कर दिया ते लड़की दी लाश नू पोस्टमार्टम लई भिजवा दिता जांदा है। मिली जानकारी अनुसार अनिल ते पूजा काफ़ी लंबे समय तो एक दूसरे के नाल किराए के मकान ते रह रहे सी ते लिव इन रिलेशनशिप दे विच रह रहे सी। अते दोने इको ही कंपनी दे विच काम करते सी, जिस करके इन्हां दे विच दोस्ती हुंदी है ते दोस्ती यह प्यार दे विच बदल जाती है। पर देर रात अनिल दा पूजा दे नाल किसे गल नूं लैके झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, जिस तों बाद अनिल पूजा का गला घोट के उसका कतल कर दिंदा है। ते वारदात की सूचना मिलन तो बाद मौके ते पुलिस पहुंचती है ते मामले की गंभीरता नाल जांच दे विच जुटी हुई है। पुलिस ने पूजा की लाश नू कब्जे दे विच लैके पोस्टमार्टम दे लई हस्पताल भिजवा दिता है। दस दे कि पूजा पहला तो ही किसी के नाल व्याही हुई सी, पर उसने अनिल दे लई अपने पति नू छड़ दिता सी ते काफ़ी लंबे समय तो वह उसके नाल रह रही सी, पर उसके प्रेमी ने ही हुण उसका कतल कर दिता। दस दिए कि पूजा उत्तर प्रदेश की रहने वाली सी, जबकि अनिल भिवानी का रहने वाला सी। वारदात सोनीपत दे विच वापरी है। इस मामले दे विच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनिल नू हिरासत दे विच लिया है ते उसनू पूछताछ लई क्राइम ब्रांच भेज दिता है ते पूछताछ तो बाद ही पता लगेगा आखिर अनिल ने इस खौफनाक वारदात नू अंजाम क्यों दिता। ते इस कतलकांड की जानकारी देंदे हुए पुलिस ने दसिया कि एक कंपनी के विच दोनों काम करते सी, अनिल ते पूजा, ते इह दोनों करीब डेढ़ साल तो एक मकान के विच किराए ते रह रहे सी ते दोनों लिव इन रिलेशनशिप के विच सी। ते दसिया जा रहा है कि अनिल ने पूजा का गला घोट के हत्या की है। तो भी दसिया जा रहा है कि पूजा पहला तो ही व्याही हुई सी ते अपने पति नू छड़ के अनिल दे नाल रह रही सी। हुण इस मामले की गंभीरता दे नाल जांच की जाएगी। क्या नाम आपका? मोहित नाम है जी। प्रताप सिंह। यहाँ पे आपके घर में एक मामला हुआ है, तो क्या कुछ मामला था जी? ये लिविंग में रहते थे एक साल से, हमारे पास रेंट पे रूम ले रखा था इन्होंने। इनकी आपसी झगड़ा था, क्या था पता नहीं, सुबह इनकी डेड बॉडी पाई गई इस लड़की की। क्या क्या पहले भी झगड़ा होता रहा है? हाँ, इनका एक आधी बार होता था झगड़ा भाई पहले। कितने समय से रह रहे थे ये? साल भर से रह रहे थे। लड़का क्या करता है? लड़का ये फैक्ट्री में जॉब करते थे दोनों। हाँ, आपको कब पता चला? हमें तो सुबह पता चला, पुलिस आई जब। इस लड़के ने पुलिस को कॉल किया। अब लड़का कहाँ है? लड़का पता नहीं जी, पुलिस फरार है? नहीं, पुलिस ले गई थी। सूचना मिली थी, क्या कुछ मामला था और किस प्रकार से इसमें अब आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? वार्ड नंबर 9 है, दादा भैया कॉलोनी के पास पड़ता है ये, कुंडले के अंदर। इसमें आज सुबह सूचना मिली थी कि किसी औरत का मर्डर हुआ है, चुन्नी से उसका गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। हम मौके पर पहुंचे हैं। पूजा नाम की औरत है ये, और ये केरल गांव की रहने वाली है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ की ये रहने वाली थी। और ये अनिल नाम के लड़के के साथ, वो अनिल लोहानी गांव का रहने वाला है, भिवानी का, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों का रात को झगड़ा हुआ और अनिल ने चुन्नी से गला घोटकर इसकी हत्या कर दी गई, हत्या की है और मर चुकी है। हाँ सर, बात करें तो अनिल विवाहित था या अविवाहित था जो लिव इन में इसके साथ रह रहा था? अनिल अभी तक की पूछताछ किया, अनिल अविवाहित बताया जा रहा है। और ये महिला सर? महिला विवाहित है। कितने सालों से, अभी प्राथमिक जांच में लगा हो कि कितने सालों से ये रह रहे थे लगभग? ये और बताते हैं कि इसने 2021 में अपने हस्बैंड को, पीछे इसका कोई हस्बैंड है, उसको छोड़ दिया था, और आप करीबन एक डेढ़ साल से इसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। तो कोई झगड़ा हुआ था, झगड़े के कारण इन्होंने ऐसा किया? हाँ, दोनों का रात को कोई झगड़ा हुआ है। सर, अनिल का कोई पता हो कि ये क्या कुछ काम करता था या कोई जानकारी? अनिल कुंडली में किसी कंपनी में, मोबाइल की कंपनी में चार्जर बनाने का काम करता है। और ये महिला हाउसवाइफ थी? नहीं, महिला भी कुंडली में किसी कंपनी में जॉब करती है। क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है सर? अभी दोनों स्टेटमेंट लेके FIR दर्ज की जा रही है।